नमस्कार, मैं हूँ शमीम अहमद। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ उत्तराखंड के हल्द्वानी में की गई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने पत्रकारों को बताया कि ये फायरिंग जमीन को लेकर की गई थी। दोनों पक्षों में काफ़ी लंबे समय से विवाद चला रहा है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि फायरिंग करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 अवैध असले भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस की लापरवाही सामने आने पर इसकी जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद क्विक कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं, और इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ